a place for all your anchors. हमने ऑलरेडी अपने एसएस से चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है. व्हाट्स अराउंड अस, काफी कुछ सीख भी चुके हैं. लिथोस्फीयर ले लिया हमने, हाइड्रोस्फीयर ले लिया, दोनों शॉर्ट नोट में आ सकते हैं वो भी मैंने बता दिया. सेकेंडरी थिंग इज दिस कि भले ही हमने लिथोस्फीयर ले लिया, भले ही हमने हाइड्रोस्फीयर ले लिया, लेकिन फिर भी दो बाकी रह गए. कौन से दो बाकी रह गए? तो अभी है एटमॉस्फेयर. ओके, अभी सीखेंगे एटमॉस्फेयर, उसके बाद सीखेंगे बायोस्फीयर. लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ वी आर गोना डू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर सब में सबसे बढ़िया वाला यही है. क्यों? अरे एटमॉस्फेयर है तभी तो हम तुम बात कर सकते हैं, तभी तो हम तुम जिंदा है, राइट? तो एटमॉस्फेयर, चलिए आज उसकी पूरी थ्योरी खत्म करते हैं. प्रिय बिल्कुल मत भूलिएगा कि शॉर्ट नॉट एज वेल एज एमसीक्यू इन सब चीजों के लिए ये सबसे बेस्ट वादा है. चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले एटमॉस्फेयर. चल, द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. या इसे ही हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन. आपको कई बार टर्म समझानी पड़ती है. लिथोस्फीयर की भी मैंने समझाई थी, हाइड्रोस्फीयर की भी समझाई थी, और यही टर्म इसमें आएगी, एटमॉस्फेयर में भी आएगी, और आ जाएगा कि बायोस्फीयर में भी आने ही वाली है. यही इसकी डेफिनेशन है. तो जब भी कभी टर्म एक्सपेंड करने का है, और टर्म एक्सप्लेनेशन में भी अगर आपको पूछा जाता है एटमॉस्फेयर, तो बस ये फर्स्ट लाइन आपको चिपका देनी है और कुछ नहीं करना. चलिए दोबारा समझा दूं मैं आपको. द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. आप जानते ही हो कि अपनी जो पृथ्वी है उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द, उसकी चार तरफ जितनी भी हवाएं हैं, या हवाएं हमें रैप करके रखती है, हवाएं हमारे पृथ्वी को बांध के रखती है, राइट? तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो जो हवाओं ने पृथ्वी को बांध के रखा है, अपने पृथ्वी के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? एटमॉस्फेयर बोलेंगे. चलिए कुछ आगे चलते हैं. इट एक्सपांड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. बताइए 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, ये अपना अर्थ का सरफेस ऐसा सोच लीजिए. चलिए 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 बहुत 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 ऊपर जाइए, तकरीबन 1600 किलोमीटर. ओके, यहां से लेके पृथ्वी की सरफेस से लेके अगर हम यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो 1600 किलोमीटर तक अपने को क्या दिखाई देगा? तो अपने को ये एटमॉस्फेयर जरूर से मिलेगा. नो डाउट अबाउट दैट. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेकेड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर यानी कि जमीन, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, ये सभी चीजें हम अपनी आंखों से बहुत आसानी से देख सकते हैं. लेकिन एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी भी अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसा कह सकते हैं. चलिए, यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. ऐसे मैं आपको पूछ सकता हूं व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ. ओके, तो उसका आंसर हमें यहां पे मिल जाएगा. ओके, कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ यानी किससे बना हुआ है. तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस. ओके, बहुत सारी गैसेस हैं इसमें. ओके, यहां से ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजन से लेकर बहुत सारी गैसेस हैं. वाटर वेपर, ओके, जितनी भी भाप जिसे बोलते हैं, पानी में से क्या बनता है? भाप बनता है. तो भाप भी इसमें है. डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी है, वो भी अपना काम इसमें बहुत ही बखूबी से निभाते हैं. स्मोक, धुआं. ओके, धुआं तो यहां से उठता ही रहता है, तो धुआं भी उसमें है. सॉल्ट, यस, इट इज सॉल्ट. व्हाई इट इज सॉल्ट है? ओके, बहुत आसान सा इसका जवाब है. आप जानते ही हो कि दरिया का बहुत सारी पानी इवोपोरेट होता है, यू नो दैट, तो सॉल्ट तो वहां पे रहेगा ही. ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें रहते हैं. जैसे कोरोना को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो हवा में तैरते रहते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ. ओके, तो इन सभी चीजों को मिला के जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? एटमॉस्फेयर बनते हैं.
तो व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ, तो एब्सोल्युटली इसका जवाब कुछ इस तरह से ही आएगा। कहां तक है वो यूनिवर्स में, तो 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। चलिए कुछ आगे चलते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, अगर आप सोचेंगे तो अपना एटमॉस्फेयर जो कोई भी है उसका कोई कलर नहीं है, हवा का भी कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस। ओके, हवा की कोई बास भी नहीं होती, आप जानते हैं, या कोई सुगंध भी उसकी नहीं होती। ओके, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ओके, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे और ये कैमरा के बीच में हवा तो है लेकिन आपको नहीं दिखेगी। आपके आप जो अभी मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल में आप जो वीडियो देख रहे हैं और आपकी आंखें जहां पे हैं, उन दोनों के बीच में भी एटमॉस्फेयर की हवा है लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। तीन चीजें हमें हमेशा ही एटमॉस्फेयर में दिखती है। सबसे पहले तो सॉलिड, ओके, उसके बाद में क्या आएगा, लिक्विड, और उसके बाद में क्या रहेगा, गैसियस एलिमेंट जिसे बोलते हैं। ये सभी चीजें एटमॉस्फेयर में दिखती ही है, या इट इज अ कंसिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स। ओके, ये तीनों की तीनों चीजें हमें एटमॉस्फेयर में जरूर से मिल जाती है। चलिए, इट कंटेन्स एप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? सबसे ज्यादा इसमें एटमॉस्फेयर में अगर किसी गैस की मात्रा है तो वो है नाइट्रोजन। वो कितने प्रतिशत है? वो 78% है। ओके, 21% ऑक्सीजन, या 21% ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर एंड 1% अदर गैसेस। ओके, और लगभग तकरीबन 1% तक अदर गैसेस हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसा हम जरूर से कह सकते हैं कि 78 के एमसीक्यू की मैटर तो बनता ही है, तो बिल्कुल इसे याद रखना ही है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% क्या है, अदर गैसेस। जितना भी नाम ले लो, चाहे कितने भी गैसेस का नाम ले लो, वो सिर्फ और सिर्फ 1% में ही आने वाले हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि चलिए मुझे 99% गैसेस का नाम बताइए, तुरंत बोल देना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, हो गए 99%, बाकी का 1% तू ढूंढ ले भाई। चलिए, व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। वो तो होना ही है। ओके, जैसे-जैसे अब हम अर्थ की, यानी कि अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे हम, उतना क्या होगा, तो उतना अगर आप देखोगे तो सभी गैसेस के जो प्रमाण होता है वो धीरे-धीरे घटने लगेगा। और सबसे लास्ट वाली बात और सबसे बढ़िया वाली बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी। ओके, सबसे हैवी या कौन सा गैस हैवी है, अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर। तो ज्यादातर हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे देखने को मिल जाता है, वो ज्यादातर हमें लोअर लेयर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 78.03% क्या है भाई, नाइट्रोजन। ओके, 20.99% तकरीबन 21% क्या है अपना, ऑक्सीजन। और अदर गैसेस तो देखिए कितना कम है। ओके, इट इज 0.98%, ऑलमोस्ट 1% ऑफ अदर गैसेस आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। चलिए, तो ये पाई चार्ट के द्वारा भी हम लोगों ने समझ लिया, तो कुछ आगे चलते हैं। राइट, ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air. Okay, yeah, ozone जो कोई भी है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.98% में ही आता है, तो वो comprise of काफी कम है। comparison of oxygen, in comparison of nitrogen, हमें ozone layer या ozone gas कुछ कम ही दिखता है। ओके, अच्छा, ये ओजोन गैस करता क्या है? अभी हम इसी उन्हीं गैसेस की बात कर रहे हैं जो हमें जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, फाइन, दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन। ओके, समझ लीजिए, ये आपका एमसीक्यू में आने वाला है और 70% आने वाला है। वो कौन सा गैस है
जो अपने को सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है और सूरज की जो ज्यादा सी हीट, ओके आप जानते हो सूरज कितना गर्म है, ओके अभी भी कितनी सारी गर्मी दे रहा है, राइट। तो जब सूरज की गर्मी ना बढ़े उसके लिए कौन सा गैस अपने वातावरण में अनिवार्य है जो सूरज की गर्मी को भी थोड़ा नम कर देता है, वो और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ अपना कौन है भाई, ओजोन है। तो ओजोन का जो लेयर रहता है अपने एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट हम तक नहीं पहुंचते और सूरज की गर्मी भी काफी हद तक वो कम कर देता है। तो बढ़िया वाला गैस है ये वाली, राइट। दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये गैस ज्यादा प्रोपोर्शन में कब दिखता है? अगर आपको ये गैस ज्यादा प्रोपोर्शन में जानना हो, देखना हो, नहीं दिख तो नहीं सकते लेकिन फील करना हो तो कब कर सकते हैं? दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। ओके, काफी लोग बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी आप किसी खुली जगह पर अगर चलते हो या खुली जगह पर जाके आप खेलते हो या सी शोर यानी कि दरिया किनारे जाके आप घूमते फिरते हो तो मॉर्निंग वॉक वहां पे बढ़िया रहती है। क्यों बढ़िया रहती है? तो उसका साइंटिफिक रीजन यहाँ पे, क्या साइंटिफिक रीजन है? तो ये ओजोन जो अपना गैस है वो यहाँ पे यानी खुली जगह पे या फिर सी शोर के पास ये एयर में ज्यादा मात्रा में दिखता है जब मॉर्निंग का समय रहता है तब। तो शायद ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा गैस है जो मॉर्निंग में कुछ ज्यादा मात्रा में हमने वो ओपन प्लेस में या सी शोर पर दिखा जाएगा, तो वो और कोई नहीं अगेन दिस ओजोन। तो हमने दो एमसीक्यू के मैटर देख ली है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रीचर्स ऑन द अर्थ अलाइव। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर पृथ्वी के लेयर में ना हो तो काफी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ओके, आप जानते ही हो कि दूसरे किसी भी ग्रह पे हम क्यों नहीं रहने जा सकते। हमने मंगल कर दिया, हमने मंगल को ढूंढ लिया है, हमने चांद को ढूंढ लिया है और ना जाने और कितने कितने जगहों पे हम अपना रिसर्च कर चुके हैं लेकिन एक भी जगह ह्यूमंस के लिए लिवेबल क्यों नहीं है? वो लिवेबल नहीं है बिकॉज वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कमी है। सिर्फ और सिर्फ अपना अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। उन दो गैसेस की वजह से ही आज हम सब जिंदा है। आप सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन करता क्या है? तो वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को डाउन करता है। ज्यादा इंटेंसिटी वाला ऑक्सीजन भी अंदर ये अच्छा नहीं है। तो नाइट्रोजन करता क्या है? तो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम करता है। तो ऐसा वन मार्कर में आ सकता है। ओके, कि व्हाट डज द नाइट्रोजन डू? तो द नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी मेरे ख्याल से एमसीक्यू की एक बढ़िया वाली है। तो सही, चलिए आगे चलते हैं। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट्स एंड मिक्सेस विद एयर व्हिच इज नोन एज मॉइस्चर। चलिए, ओके, आप सोचोगे कि सर ये वाटर इसमें कहां से? वो तो हाइड्रोस्फीयर में आता है ना, हाइड्रोस्फीयर में आता है। लेकिन हाइड्रोस्फीयर में जितने टाइप के पृथ्वी के सरफेस पे हमें जितने भी या सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे जितना पानी दिखता है वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आता है। लेकिन कभी कभार आप ये भी जान लीजिए एटमोस्फेयर में भी पानी तो रहता ही है। आप सोचोगे सर कैसे रहता है? ओके, तो यू नो दैट वेल कि इवोपोरेशन की जो क्रिया रहती है तो वाटर हमेशा ही जो जमीन की सतह रहती है या अर्थ की सरफेस रहती है वहां से वो हमेशा क्या बनता है? भाप बनता है। भाप बन के वो क्या होगा? एवोपोरेट। या भाप बनने यानी कि वो क्या होगा? एवोपोरेट होगा। और इवोपोरेट वो अगर होगा तो आगे जाके वो मिक्स कहां पे हो जाएगा? तो वो मिक्स हो जाएगा एयर में। और जो कि वो एयर में मिक्स हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? नमी। नमी बनती है एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी नमी बनती है, भले ही हमें वो नमी पसंद हो या ना हो, लेकिन वो अपने फार्मिंग के लिए काफी बढ़िया सी एटमॉस्फेयर मानी जाती है। द प्रोसेस और अगर द प्रोसेस अगर गैसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, अब ये जब भाप थोड़ी ठंडी पड़ जाती है तो भाप का जो ठंडा पड़ना है, वो जो भाप ठंडी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। टर्म्स में आपको कंडेंसेशन भी आ सकता है, मॉइस्चर भी आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद कर ही लेना है।
फाइन, अब ये मॉइस्चर के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो वो भी जान लेंगे मॉइस्चर के कौन-कौन से फॉर्म्स हैं। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स, कौन-कौन से मॉइस्चर के फॉर्म है, यानी कितने-कितने मॉइस्चर के प्रकार है वो भी आप देख लीजिए। ड्यू, तो ड्यू वो मॉइस्चर का ही एक प्रकार है, मॉइस्चर का ही एक फॉर्म है। अब सोचिए सुबह सुबह में जब ड्यू गिरती है, राइट, सो और जिसे ओस बोलते हैं हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, ओस बोलते हैं, राइट। तो सुबह सुबह ड्यू गिरती है, राइट, यानी कि ओस गिर है, ओके। फॉग, बहुत सारी अब जब हिल स्टेशन में जब भी जाएंगे ना तो आपको फॉग ही एटमॉस्फेयर दिखेगा, तो फॉग भी किसका नतीजा है, वो मॉइस्चर का ही एक फॉर्म है, मॉइस्चर का ही एक प्रकार है। क्लाउड्स, इसे तो हम कैसे भूल सकते हैं भाई, तो क्लाउड्स, क्लाउड्स भी मॉइस्चर से ही बनते हैं, ओके। एंड इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, या इवन वी गेट प्रिसिपिटेशन आर ड्यू टू द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से ही ये ड्यू, फॉग, क्लाउड्स और प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन माने क्या, तो वो जो हल्की सी जो बारिश होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिजल, जो थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग जब हो जाता है, राइट, तो जो ड्रिजलिंग हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रिसिपिटेशन हो, ड्यू हो, फॉग हो, क्लाउड हो, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, वो प्रकार किसके, वो मॉइस्चर के ही फॉर्म्स हैं। और मॉइस्चर कब बनता है, जब एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हो जाता है तब बनता है। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बींग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ओके। लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट आप ले लो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे हमको एटमॉस्फेयर का इफेक्ट, यानी अच्छी असर है, हमको दिखेंगे ही दिखेंगे, ओके। सच एज देयर इन देयर फूड हैबिट्स में दिखेंगे, क्लोथिंग, कपड़े में भी दिखेंगे, ओके। आप जानते हो कि फूड हैबिट्स सबकी अलग अलग रहती है, ओके। गुजरात वाले कुछ अलग खाएंगे, महाराष्ट्र वाले कुछ अलग खाएंगे, शिमला कुल्लू मनाली वाले कुछ अलग खाएंगे, स्विट्जरलैंड वाले कुछ अलग खाएंगे, यूरोप वाले कुछ अलग खाएंगे, चाइना वाले, तो ऐसे सब कुछ खाते हैं लेकिन वो सबसे अलग ही खाते हैं, आप जानते ही हो, ओके। क्लोथिंग, क्लोथिंग के सबसे अलग अलग, शिमला वाले अपने जैसे कपड़े नहीं पहनते, ओके, तो गुजरात वाले शिमला वाले जैसे नहीं पहनते, ओके। कश्मीरी लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे महाराष्ट्रीय लोग नहीं पहनते, तो महाराष्ट्रीय जो कपड़े पहनते हैं वो कश्मीर वाले नहीं पहनते, क्यों, सभी जगह का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है ना, दैट्स व्हाई फाइन हैबिट, रहने की जगह भी कुछ अलग ही होगी। हम लोग जैसे मकानों में रहते हैं वैसे मकान वहां पे आपको नहीं दिखेंगे, जहाँ बहुत सारी गर्मी पड़ रही हो वहां पे तंबू या जो घर को ज्यादा कूल रख सके ऐसा कुछ, ऐसे कुछ मटेरियल से हम लोग अपना हैबिटेट या घर बनाना पसंद करेंगे, ओके। या मैम जिस तरह से घर बनते हैं उसी तरह से घर ना तो स्विट्जरलैंड में बनते हैं ना तो कोई एंटार्क्टिक में बनते हैं, एंटार्क्टिक में लोग इग्लू में रहते हैं, यहाँ पे इग्लू फॉर्म नहीं कर सकते, तो हैबिटेट में भी एटमॉस्फेयर की असर कुछ ज्यादा और कम प्रमाण में हमको देखने मिल सकती है। कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एक्टिविटी माने क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी धंधा रोजगार, ओके। तो सब ऐसे लोगों का धंधा रोजगार कुछ अलग ही होगा। आप जानते हो हर साल अहमदाबाद में एक स्वेटर मार्केट आता है, उसे बोलते हैं तिब्बतियन मार्केट, ओके। वहां लोग तिब्बत से बेचने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे होता है, एक दिल्ली में होता है तिब्बतियन बाजार, दूसरा अहमदाबाद में होता है, ओके। तो जो तिब्बतियन मार्केट है वो तिब्बतियन मार्केट जो कोई भी है वहां लोग कहां से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, तो तिब्बत के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, क्योंकि वहां पे वैसे ही सर्दी का माहौल रहता है, तो और वहां पे वूल या ऐसी सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है, वहां उनको ज्यादातर घरों में ही रहना पड़ता है बर्फ की वजह से, तो घर में रहकर कौन सा काम कर सकते हैं, तो लोग स्वेटर बनाने का काम कर सकते हैं। तो जब भी सर्दी की मौसम आएगी तो तिब्बतियन मार्केट आपको अहमदाबाद, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े शहरों में मिल जाएगी, वहां सच में लोग तिब्बत से ही आते हैं। तो ये उनकी क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो इन सभी चीजों का असर हमको देखने को मिलेगा, जिस तरह का जहां का एटमॉस्फेयर होगा उस तरह से। चलिए, मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर, स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स, ओके। आपको इतना मालूम ही है कि इसमें सॉलिड भी कुछ रहता है, ये एटमॉस्फेयर, ओके, तो उसे हम ले सकते हैं डस्ट पार्टिकल, ओके। तो डस्ट पार्टिकल जब भी डस्ट पार्टिकल कहीं पर भी होंगे तो हमको सन रेज, जो सूर्य की किरण है, वैसे दिखती नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल झड़ देंगे या कुछ डस्ट पार्टिकल जैसे कुछ झड़ देंगे अंदर, तो होगा क्या, तो आपको सूरज की किरणें बहुत ही क्लियरली दिखाई देंगी। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, आपने भी इसका एक्सपीरियंस कभी कभार तो किया ही होगा। इट इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट, and it does not suddenly turn bright after sunrise.
क्या बात है क्या बात है क्या बात है ये भी एक जबरदस्त पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है ओके जैसा ही सनसेट होता है तो वैसे अंधेरा हो जाना चाहिए ना लेकिन फिर भी अंधेरा धीमे-धीमे ही होता है 6:30 बजे अंधेरा देखिए 7 बजे देखिए 7:15 बजे देखिए 7:30 बजे देखिए राइट तो सूरज तो शायद 6:15 या 6:30 बजे वो सेट हो चुका है ओके लेकिन फिर भी यहां अंधेरा धीमे-धीमे ही आता है क्यों उसका कारण है डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर ओके वैसे सूरज जब उगता है तो अचानक से ही चारों दिशाओं में जो प्रकाश होना आना चाहिए सूरज का वो नहीं आता ओके वो धीरे-धीरे बढ़ता है क्यों ऐसा होता है तो एटमॉस्फेयर में रहे हुए डस्ट पार्टिकल की वजह से ये सब होता है तो जैसे ही सूर्योदय होता है जैसे ही सूर्योदय होता है अचानक से अंधेरा नहीं होता अचानक से लाइट नहीं आ जाती क्यों ऐसा कुछ नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर चलिए कुछ आगे चलते देखते हैं ओके फाइन लुक सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ and we receive the light of the sun. Okay, अब ये भी आप सोच लीजिए कि जो sunrise होता है, तो dust particles से ये सूरज की किरणें टकरा रही हैं. Okay, तो सूरज की किरणें जब dust particles से टकराएंगी, तो वो reflect होंगी. वो क्या होंगी? Reflect होंगी. और उनके रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें सूरज की रोशनी अच्छी तरह से अपने यहाँ पहुंचती है तो आप समझ लीजिए कि जितने भी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है वो भी कितना बढ़िया काम अपने लिए करता है भले ही अपने को डस्ट पार्टिकल ज्यादा पसंद नहीं होंगे ओके लेकिन फिर भी मैं आपको इतना जरूर से बताना चाहूंगा कि वो भी एटमॉस्फेयर में रह के अपनी भलाई का काम कम या ज्यादा मात्रा में करते ही रहते हैं चलिए we are able to listen to the sounds due to the presence of atmosphere ओके पर एटमॉस्फेयर में हम साउंड आप मेरा साउंड सुन सकते हैं मैं आपका साउंड सुन सकता हूं हम लोग साथ में बैठ के बात कर सकते हैं राइट तो ये सब की किसकी वजह से मुमकिन हो रहा है तो ये सब कुछ जिसकी वजह से मुमकिन हो रहा है वही तो है अपना एटमॉस्फेयर वी कैन टॉक या जस्ट बिकॉज़ विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेयर ओके जितने भी आवाज़ सुनते हैं वो सभी की सभी आवाजें हमें सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से ही सुनाई देती है और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे लास्ट वाले क्या है लेकिन बिल्कुल बढ़िया वाले क्या है दैट इज व्हाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल ओके रेडियो जो कोई भी है दूरदर्शन जो कोई भी है वो अपनी चीजें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स टेलीकास्ट कर सकते हैं किस वजह से सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से ये लोग कर सकते हैं ओके तो आज हमने काफी कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में सीखा है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी जितना भी कुछ होगा सब कुछ सॉल्व हो गया होगा और आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द लेक्चर हियर डीएम्स आर साइनिंग ऑफ थैंक यू बाय